अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को एक न्यू स्क्वाड डिजाइनिंग सिखाने वाला हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी एंड अट्रैक्टिव है। तो गाइस, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारे अगर आप लोग भी इसी तरह स्क्वाड बनाना चाहते हो तो इस नंबर पर हमारे साथ रब्ता करें। शुक्रिया। तो दोस्तों, आप लोगों ने सबसे पहले पिक्सल लैब ऐप को ओपन करना है, और इसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने इस पर पेंसिल पर क्लिक करके ऐसे टेक्स्ट रिमूव करना है, और यहाँ से सिंपली आप लोगों ने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। जो भी आप बैकग्राउंड कलर लगाना चाहते हो, यहाँ से इजीली आप लोग चेंज कर सकते हो। यहाँ से डिफरेंट कलर्स आप लोगों को मिलेंगे। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से सिंपली आप लोगों ने इम्पोर्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ से सिंपली आप लोगों ने कैप्शन का पिक्चर इम्पोर्ट करना है, जो भी पिक्चर आपके पास है। यहाँ से सिंपली आप लोगों ने बैकग्राउंड रिमूव करना है, यहाँ से सिंपली आप लोगों ने इम्पोर्ट करना है। यहाँ से सिंपली आप लोगों ने शेडो पर क्लिक करके इसके जो बैकग्राउंड शेडो है उसको आप लोगों ने वाइट करना है, ताकि ज़्यादा विजिबल नज़र आए। उसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से सिंपली ये पर क्लिक करके आप लोगों ने इसको लॉक करना है। इसके बाद यहाँ से शेप पर क्लिक करें, और यहाँ से सिंपली आप लोगों ने इस शेप को यहाँ से सिंपली आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से सिंपली आप लोगों ने लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, इसको साइड से थोड़ा सा छोटा करना है, और इसके बाद आप लोगों ने इसका कलर भी आप लोग अगर चेंज करना चाहते हो, यहाँ से सिंपली आप लोग कलर पर क्लिक करके चेंज कर सकते हो। यहाँ से सिंपली मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया है, ताकि हमारे जो शर्ट का कलर है वो भी ग्रीन है। तो इसी तरह आप लोगों ने यहाँ से सिंपली आप लोगों ने स्ट्रोक पर भी क्लिक करना है, उसको भी वाइट करना है। उसके बाद सिंपली शेडो को भी ऐड करना है। तो इसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने दोबारा शेप पर क्लिक करके शेप को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से सिंपली आप लोगों ने शेप को यहाँ से सिंपली आप लोगों ने एडजस्ट करना है अपने नाम के हिसाब से, जो भी नाम का लेन हो। यहाँ से सिंपली आप लोगों ने इसको उस हिसाब से आप लोगों ने शेप लगाना है। फिर इसको यहाँ से सिंपली आप लोगों ने जूम करना है। जूम करने के बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने जो लाइन है इसको यहाँ से सिंपली आप लोगों ने दरमियान में अटैच करना है। उसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने इसको थोड़ा सा छोटा करना है। तो इसका कापी बनाकर यहाँ से नीचे आप लोग एक एक लगा सकते हो। तो इसके लिए यहाँ से सिंपली आप लोगों ने इसको थोड़ा छोटा करना है, ताकि लाइनों के दरमियान ईजीली विजिबल हो जाए। तो इसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने लाइनों पर क्लिक करना है। यहाँ से सिंपली आप लोग दो लाइन है, यहाँ से पर इसके हिसाब से आप लोगों ने लगाना है। तो इसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने कॉपी करना है, और यहाँ से ईजिली एक एक कॉपी करके आप लोगों ने जितने भी खिलाड़ियों का स्क्वाड है उस हिसाब से आप लोग कॉपी कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को अंत तक लाजमी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो यहाँ से सिंपली हमने 15 खिलाड़ियों का जो स्क्वाड है, और यहाँ से सिंपली आप हमने लाइनें सेलेक्ट की है, एक एक शेप हमने यहाँ से कॉपी करके सेलेक्ट किया है। तो इसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने उसको डार्क भी कर सकते हैं, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो जाए। इसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने दोबारा यहाँ से सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर आना है, टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ से सिंपली आप लोगों ने जूम करना है, और यहाँ से सिंपली एक एक शेप के अंदर आप लोगों ने अपना नाम, जो भी प्लेयर्स का नाम है, और यहाँ से सिंपली आप लोगों ने लिखना है। तो एक एक करके यहाँ से सिंपली आप सब नाम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ से सिंपली आप लोग फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सिंपली आप लोग जो टेक्स्ट का कलर है वो भी आप लोग इजीली आप लोग चेंज कर सकते हो। इसके में यहाँ से सिंपली आप स्ट्रोक भी आप लोग अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा विजिबल नज़र आए। तो इसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने एक एक का नाम यहाँ पर लिखना है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देख के, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यहाँ से सिंपली आप लोगों ने एक एक का इसी तरह नाम लिखना है, और यहाँ से सिंपली आप लोगों ने एडिट क्लिक करके इसको नाम को एडिट करना है। यहाँ पर जो दूसरा नाम है वो आप लोग इजीली लिख सकते हो। यहाँ से सिंपली आप लोगों ने नाम को कॉपी करना है, और शेप का अंदर एडजस्ट करना है। उसके बाद एडिट पर क्लिक करके आप लोगों ने नाम को सिंपली आप लोगों ने इस तरह लगाना है। तो अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो, यहाँ से सिंपली आप लोगों ने ब्लैक कलर सेलेक्ट है, उसको या स्ट्रोक है उसको इनेबल करना, डिसेबल करना है। तो इसी तरह यहाँ से सिंपली आप लोगों ने सबको इस तरह कलर को चेंज करना है, ताकि हमारा जो नेम है वो ज़्यादा विजिबल नज़र आए। ऐसे सबको कलर आप लोगों ने भी इसी तरह ब्लैक रखना है। तो इसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने सारे का सारे यहाँ से सिंपली आप लोगों ने नेम हमारे लिख चुके हैं। तो इसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने जूम आउट करना है, और जूम आउट करने के बाद यहाँ से सिंपली हमारे जो पूरा स्क्वाड है वो यहाँ पर
बन चुका है। तो इसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने लेयर पर क्लिक करके यहाँ सिंपली एक एक को सेलेक्ट करके सबको इकट्ठा करना है, जो भी नाम जो भी शेप्स है उस सबको आप लोगों ने एक एक को सेलेक्ट करके इकट्ठा करना है। यहाँ से टू लेयर पर क्लिक करके सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है थोड़ा सा। तो इसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों के लिए नीचे लगाना है। इसके बाद यहाँ से सिंपली ट्रिक्स पर क्लिक करके आप लोगों ने टीम का नाम भी लिखना है, अगर आप लिखना चाहते हो यहाँ से सिंपली आप लोगों ने टीम का अपने टीम का नाम भी यहाँ से इजीली लिख सकते हो, यहाँ से फॉर्म भी चेंज कर सकते हो। वहाँ पर हमने फॉर्म भी सेलेक्ट किया है, इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने दोबारा यहाँ पर शेप पर आना है, यहाँ से जो टीम का जो लोगो आप लगाना चाहते हो या फिर शेप आप लोग लगाना चाहते हो यहाँ सिंपली आप लोग लगा सकते हो। जैसे कलर भी चेंज करते हैं के लिहाज से। इसके बाद यहाँ से हमारा स्क्वाड बन चुका है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक्सपोर्ट करके अपने अल्ट्रा क्वालिटी सेलेक्ट करें ताकि HD फोटो नज़र आए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।